दोस्तों हाइबरवर्स की हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रमोटर्स किसी छोटे मीम प्रोजेक्ट कंपनी की तलाश कर रहे हैं, ताकि जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट हाइबरवर्स ने पिछले साल जुलाई के महीने में अधूरा छोड़ दिया था वो फिर से शुरू हो सके और उससे होने वाली पार्टनरशिप से प्रमोटर्स अपना पैसा वापस पा सकें। दूसरी तरफ प्रमोटर्स को इंतजार था FOMC के रेट्स का, ताकि मार्केट का रुझान भी वो ठीक से समझ सकें। पर हमने देखा कि FOMC रेट्स एकदम न्यूट्रल थे, जिसकी वजह से मार्केट पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा और इसीलिए हाइबरवर्स की मार्केटिंग टीम ने दूसरे छोटे और स्टार्टिंग फेज के मीम प्रोजेक्ट से बात करने की कोशिश की जो मेटावर्स प्रोजेक्ट को ओवरटेक कर सके। मेटावर्स से याद आया दोस्तों कि हमने आपको पिछले हफ्ते ही मेटावर्स से जुड़े कई कॉइन्स के बारे में बताया था, अगर आपने उनमें अभी तक इन्वेस्ट किया होता तो आप आराम से 20-30% मुनाफे में होते। इसीलिए हमारी वीडियो को ध्यान से देखा करिए और समझने की कोशिश करा करिए। हम कई बार अपने वीडियोज में बता चुके हैं कि हम क्रिप्टो या फाइनेंस में सिर्फ एक प्रोजेक्ट या एक मेथड पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें हमेशा सीखने की और समझने की जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए दोस्तों वक्त के साथ साथ इन चीजों से जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, जिससे हम आपकी पूरी हेल्प कर सके और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी टीम टेलीग्राम पर आपसे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, NFT और माइनिंग के फ्री प्रोजेक्ट शेयर करती है, ताकि उसको धीरे धीरे आप सीख सकें और साथ में लोग वहां पर अपनी डेली अर्निंग भी शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर चलिए दोस्तों अब चलते हैं आज की जरूरी अपडेट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या दोस्तों, पिछले दो हफ्ते से मीटिंग करने के बाद मार्केटिंग टीम अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट से पार्टनरशिप करने में सफल नहीं हो पाई है और अभी तक मार्केटिंग टीम ने करीबन 7-8 प्रोजेक्ट से बात की है, लेकिन अभी तक किसी को कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। हालांकि हो सकता है कि जवाब में मना भी किया जा चुका हो, लेकिन हमें अभी तक किसी ने ये अपडेट नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात निकल कर आई है कि क्यों कोई कंपनी पार्टनरशिप नहीं कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह हाइबरवर्स का कोलैप्स होना या फिर नेगेटिव फाइनेंशियल हिस्ट्री है, तो आप गलत हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो वह अपने लिए पहले से ही सारी चीजों को ब्लूप्रिंट में रखती है। इसीलिए जब कोई कंपनी उनसे किसी ऐसी चीज से जुड़ने के लिए कहती है जिस पर वो कंपनी पहले से ही काम कर रही है, तो फिर नई कंपनी के डेवलपर्स और उनके लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि नई कंपनी ने अपने मेटा प्रोजेक्ट को जिस तरह से डिजाइन करने के बारे में सोचा होगा, जरूरी नहीं है ना कि हाइबरवर्स का मेटा प्रोजेक्ट्स भी वैसा ही हो। हो सकता है कि उसमें काफी फर्क हो और इससे उस कंपनी को टेक ओवर करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। साथ में दिक्कत होती है उन डेवलपर्स के लिए जो उस प्रोजेक्ट में महीनों या फिर सालों से काम कर रहे हैं, और दिक्कत आएगी उन मार्केटिंग टीम वालों के लिए जो अपने प्रोजेक्ट को नए नए प्रमोटर्स के पास ले जाकर अपनी फंडिंग को जनरेट करते हैं। इसलिए दोस्तों फिलहाल हाइबरवर्स के पास कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है देने के लिए और हमारे पास भी कोई भी अपडेट नहीं है आपको इससे ज्यादा बताने के लिए। हाँ लेकिन पता है दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जो हम कर सकते हैं और हमेशा आप कहते हैं, आइए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जहां हम मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बात कर सकें, उनके बारे में जान सकें, और अगर हमारे साथ कोई धोखा होता है ना तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहें सामने वाले का सामना करने के लिए, यस उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर आपके पास ऐसे कई लोग हैं जो आपको एक बार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मना तो लेते हैं, लेकिन जब उस प्रोजेक्ट से ना उल्टी सीधी खबर आने लगती है तो ना तो वो यूट्यूबर आपकी सुनता है और ना ही आपके आसपास वाले आपको दिखाई देते हैं। सब यहां वहां हो जाते हैं और इन सब में ऊपर के लीडर्स तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन नीचे वाले उनकी कोई नहीं सुनता और ना उनका मसला हल होता है। हमने टेलीग्राम पर कई ऐसे लोगों से बात की जिनकी दुनिया को हाइबरवर्स ने पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। किसी का 1,00,000, किसी के स्कूल की फीस, किसी के बेटी की शादी के पैसे, तो किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी इस कंपनी ने पल भर में खत्म कर दिया, जिसको सुनकर हमें वाकई में बहुत दुख होता है कि आखिरकार बेचारों के साथ क्या हो गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, ऐसी चीजें न जाने कितनी बार लोगों के साथ हुई हैं। हालांकि भारत में इसको लेके कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि लोग बहला फुसला कर आपके मन के हिसाब से आपको ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करते हैं और आपको मना भी लेते हैं। हमने आज तक यूट्यूब पर किसी को कोई भी प्रोजेक्ट शेयर नहीं किया है और ना ही उसे ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले देख लीजिए कि उसका यूज केस क्या है।
उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो पैसे कमा कैसे रहे हैं और आपको फायदा कैसे देंगे और आपको पैसे कहां से ला कर देंगे। अगर आप लोग इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे ना तो कभी स्कैम का शिकार नहीं होंगे। वहीं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हिस्सा होंगे तो कभी आपको इस बात का डर नहीं होगा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी और एक दूसरे की मदद करेगी। और ऐसा ही कुछ हम करेंगे आने वाले वक्त में हाइपरवर्स के खिलाफ, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा लॉस इस कंपनी की वजह से हुआ है। और अगर कोई विड्रॉ शुरू नहीं होता है तो वक्त होगा इंडिया के उन लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने का जिन्होंने जूम मीटिंग में लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और जब कंपनी ने विड्रॉ देना बंद कर दिया तो खुद भी उस कंपनी के साथ साथ गायब हो गए। हम मानते हैं कि उनको कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो कुछ नहीं भी देते लेकिन एक भरोसा तो देते ना, लोगों को समझाते, उनसे मिलते, उनसे बताते कि कंपनी अब नहीं चल रही है और ना कुछ कर पा रही है, हम भी लॉस में, ऐसा कहते वो, सामने तो आते लेकिन मिलकर हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल भी लेते, लेकिन वो तो सामने है ही नहीं ना, भाग गए वो, भगोड़े निकले। दोस्तों अगर इतना भी उन लोगों ने कहा होता ना तो आज ही हाइपरवर्स सोसाइटी इतने पैनिक में नहीं होती। खैर अब बहुत हुआ, हम चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मिलकर इस कंपनी में अपने पैसे खोने वाले लोगों के लिए कुछ कर सकें। आज मैं ये वीडियो किसी से लाइक या शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, उम्मीद है कि हम और आप मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ।